नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राकेश राजपूत है सर। राकेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी ग्राम किल्लोत तहसील हरसो जिला खंडवा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 13/11/2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी करते थे, सभी देवी देवता की भक्ति करते थे, नवरात्रा में उपवास रहते थे और दोनों टाइम का उपवास रहते थे और शिवरात्रि का उपवास रहते थे, जन्माष्टमी का उपवास रहते थे। संत सिंगाजी से भी जुड़े थे, हमने गुरु बना के रखे थे सर। 3 साल भक्ति करी हमने और गायत्री परिवार से भी जुड़े थे, उनकी भी 4-5 साल भक्ति करी सर। सिंगाजी से भक्ति करते थे तो उससे हमको ऐसा कुछ लाभ तो नहीं मिला और गायत्री परिवार में भी हम जुड़े थे तो हमसे कसम खिलवा के गुटखा छुड़वाया था। हम गुटखा बीड़ी शराब तम्बाकू बीड़ी सिगरेट सब पीना चालू कर दिया था सर। दिन भर में 5-6 गुटके लग जाते थे तो इन भक्ति करने में हमको ऐसा कोई लाभ तो नहीं मिला और मेरे को हार्ट की तकलीफ भी थी। मेरा 3 साल इलाज चला इंदौर का और रेगुलर गोली दवाई खाई मैंने 3 साल और 6 साल घुटने में दर्द रहा सर, घुटने में सूजन रही 6 साल, दर्द की गोली खाया करा। बाकी और भी गांव के देवी देवताओं की बैठकें ली और पीर बाबा की बैठक ली, एक आदिवासी क्षेत्र में गया था उधर में मकड़ी तरफ, उधर एक बाबा था उनने बोला था कि भाई तेरे घुटने अगर ठीक हो जाए तो तुम यहाँ मुर्गे छोड़ देना। तो मैंने उनसे बोला था भाई अगर मेरे घुटने ठीक हो गए तो एक मुर्गा नहीं मैं 2 छोड़ दूंगा, पर घुटने ठीक हो जाना चाहिए। तो भगत जी उनसे भी लाभ नहीं मिला। फिर एक दूसरा बाबा के पास गया तो उनने इंग्लिश में गोली दवा लिख के दी, तो गोली दवा में कुछ नहीं, एक दर्द की गोली लिखी थी और रूही करके एक रूह करके तेल आता है, वो तेल मालिश के लिए दिया था, तो उनसे भी कुछ लाभ नहीं मिला। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर आप अपने कोई लोकल गुरु सिंगा सिंह जी महाराज के पास गए, उनको गुरु बनाया और गायत्री परिवार में भी आप गए, वहाँ आपने 4-5 साल बिताए। इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला बल्कि हानि हानि हुई, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी हमारे यहाँ एक किशोर भगत जी थे संत रामपाल जी महाराज से, उन्हें नाम दीक्षा ले रखी थी, 1 महीने पहले उन्होंने नाम दीक्षा ली थी और फिर वो हमें मिले तो बताया कि भगत जी आप चलो वहाँ संत रामपाल जी महाराज के पास, आपको अगर नाम दीक्षा लेना हो तो ले लेना, देख के आओ, घूम फिर के आओ। अब भगत जी ने हमको आश्रम लेके गए, आश्रम गए जब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गाड़ी भी लगी थी अपने जींद स्टेशन पे, तो उस पर बैठा तो मैंने एक बार में सारा गुटखा खा लिया कि अब बार बार गुटखा तो मिलेगा नहीं, वहाँ गुटखा फेंकवा देंगे, भगत जी ने बोल दिया था हमारे किशोर भगत जी ने। तो गुटखा हमने खा लिया और खाते खाते गए, फिर मैं अंदर गया, संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा महसूस हुआ कि मेरी अंतर आत्मा संतुष्ट हुई, तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ कुछ अपने को राहत मिलेगी। फिर मैंने नियम पढ़े, नियम पढ़ने के बाद में भगत जी मेरे को ऐसा लगा कि अब नाम दीक्षा ले लेना चाहिए, फिर वहाँ नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो या मानसिक हो, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को अनेकों लाभ हुए। मेरे को हार्ट की तकलीफ थी पहले तो मैंने हरदा दिखाया, वीरेंद्र अग्रवाल है डॉक्टर, उनने बोला कि आपको इंदौर जाना पड़ेगा, इंदौर गया, इंदौर में यहाँ की जगह पूरी मेरी इंदौर में राष्ट्रीय हॉस्पिटल है, डॉक्टर रोशन रॉय को दिखाया, उनने बोला कि आपकी जांचें होगी, जांचें पूरी उन्हें करी तो उनने बोला कि आपके यहाँ नस में खून जम गया है, तो आपको जीवन भर खून पतले करने की गोली और ब्लड प्रेशर की गोली खाना पड़ेगा। तो भगत जी मेरे को गोली लिख के दी और मैंने गोली खाना चालू करी, 3 साल गोली खाई मैंने, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको खून पतले करने की और ब्लड प्रेशर की गोली जीवन भर खाना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरी हार्ट की तकलीफ भी ख़त्म हो गई, गोली दवा भी सर बंद कर दी मैंने, 2000 का ट्रीटमेंट आता था महीने भर का, तो मेरी गोली दवा भी बंद हो गई और 22 सर्जरी करने की बोला था डॉक्टर ने कि बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, तो वो सर्जरी से संत रामपाल जी महाराज ने बचा दिया मेरे को। ये हार्ट की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं
ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में ना तो मेरे को कोई तकलीफ है और बाईपास सर्जरी करने की बोला था डॉक्टर ने, तो आज मैं बाईपास सर्जरी से भी बच चुका हूँ और दवा गोली भी सब बंद कर दी। आप मेरी ये रिपोर्ट देख सकते हैं, हार्ट की बीमारी थी सर, तो आप ये देख सकते हैं पूरे कागज़ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रखे हैं आज भी, और ये सब रिपोर्टें हैं और ये SCG की जाँच है। ये पेशाब की थैली में भी इन्फेक्शन फैल गया था, ये उसकी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं सब। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना तो कोई गोली दवाई खा रहा, ना कोई ऑपरेशन से भी बच गया हूँ आज मैं। और उसके बाद में घुटने में सूजन आ गई, चिकनगुनिया बुखार आया, बुखार आने के बाद में बुखार तो ठीक हो गया पर वो घुटने में सूजन इतनी आ गई कि 6 साल घुटने में सूजन रही। सूजन होने के रहने के बाद में मैं इंदौर वापस आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर आनंद कुमार जिंसी वाले, उनने देखा, उनने बोला कि तुम्हारे घुटने में जॉइंट की जगह पे जो चिकनाई आती है वो ख़त्म हो गई, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने की नौबत आई थी तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगी कि मालिक आप जब मालिक ही हो तो फिर आप क्यों ना मेरे पेट ठीक कर दो। तो सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और मेरे पैर ठीक हो गए। आज तक मैं ना तो हटेक की गोली खाता, बिगर ऑपरेशन के बिगर कोई 22 सर्जरी करे हुए मैं अभी मालिक की दया से ठीक हूँ। आप देख सकते हैं ये एप्पल हॉस्पिटल का है, डॉक्टर आनंद कुमार जिंसी वाले का ये इलाज मैंने करवाया था और इसमें मेरा घुटने का ऑपरेशन की बोला था, घुटने का जॉइंट छूट गया था। ये देख सकते हैं आप, ये घुटने का जॉइंट खुला हुआ है, डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा, आपके घुटने का जॉइंट खुल चुका है और इसमें जो बीच में चिकनाई आती है वो चिकनाई ख़त्म हो गई। ये वाला घुटना है सर, ये जॉइंट खुला दिख रहा है पूरे क्लियर साफ। संत रामपाल जी महाराज की दया से घुटने की गोली दवाई बंद कर दी और ऑपरेशन से बचा हुआ हूँ, मेरे को आप कोई तकलीफ नहीं है। बहुत अनेक ऐसे लाभ हुए मेरे को, और जब मैं नाम दीक्षा लेके घर आया था संत रामपाल जी महाराज से, और सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए मैंने 4 बच्चों को बिठा रखा था बाइक पे, और आगे से मेरे को ये नहीं पता था कि गाड़ी किधर से आई। एक फास्ट से गाड़ी आई, हमारे गांव के साइड का था छोरा, उनने गाड़ी मेरे गाड़ी में ठोक दी, तो गाड़ी इतनी खतरनाक ठोकी सर कि 20 से 25 फीट जाके अगला जो मड़घाट आता है वो मड़घाट का कट्टा गिरा और उसकी गाड़ी गिर गई, वो घिसा गया पूरा, और मेरी गाड़ी संत रामपाल जी महाराज की दया से वहीं की वहीं खड़े रहे, ना तो मेरे को खरोच है ना मेरे बच्चों को खरोच है, चारों बच्चों सही सलामत हम ठीक रहे। और सर मैं नशा भी करता था, नशा में बीड़ी गुटखा 5-6 गुटके लग जाते थे, संत रामपाल जी महाराज की दया से 30-40 रुपये का रोज का खर्चा ये था, उससे भी मेरे को बहुत बड़ी राहत मिली। परिवार वाले पूरे परेशान थे मेरे से कि भाई तू गुटखा बहुत खाता है और बीड़ी बहुत पीता है, ये उम्र में बीड़ी नहीं पीना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से नशे भी सारे छूट गए हैं और बीमारी में बहुत राहत मिली। मेरी पत्नी को भी सर बहुत दुख रहा था उनका, मतलब शादी हुई और उसके साल भर बाद सर दुखना चालू हुआ, 6 साल सर दुखा उनका, सर दर्द करने से बेचैनी होने लगी उनको, दर्द की गोलियाँ भी बहुत खाई उनने। पिताजी के यहाँ गए परिवार में भाइयों के पास, उन्होंने उधर बैठक भी ली देवी देवताओं की, वहाँ से भी आराम नहीं मिला, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से उनको जाते ही आराम मिल गया, उनका सर दर्द बंद हो गया और आज तक सर दर्द नहीं हो रहा सर उनको। और छोटे मोटे अनेक लाभ हैं सर, एक बार मेरी गाड़ी में रोज डेली अप डाउन करता हूँ, हमारे गांव से 8 किलोमीटर एक शहर है खिरकिया करके, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, तो डेली अप डाउन करता हूँ, रात में इतनी गाड़ी स्पीड में थी, वैसे तो मैं धीरे चलाता हूँ गाड़ी पर, उस टाइम पे क्या पता क्या हुआ, गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि सामने नाला आ रहा और मेरी गाड़ी स्पीड से चल रही, मालिक जाने वो वहाँ पुलिया का काम चल रहा था क्या हुआ, एकदम से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी गाड़ी घुमा दी तो मैं गिरने से बच गया, नहीं तो दास आज क्या पता क्या होता, संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव होता है, सत्यता के लिए आप अपनी रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपको ऐसी कौन सी दवाई देते हैं जो मेडिकल साइंस फेल हो जाता है और फिर संत रामपाल जी महाराज उन मरीजों को ठीक करते हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई नहीं देते हैं,
खाली वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और विधि बताते हैं देवी देवता की कैसी साधना करना। उसमें मंत्र दिया जाता है, मंत्र की ही भक्ति रहती है, साधना रहती है, उससे लाभ मिलते हैं। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो लोग आज दुखी हैं और वो अस्पतालों में भर्ती हैं, जब संत रामपाल जी महाराज बगैर दवाई बगैर ऑपरेशन के ठीक कर रहे हैं तो आज बहुत सारी दुनिया दुखी है, तब उन लोगों से अपील क्यों नहीं करते कि वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें? जो भी श्रद्धालु मेरे को सुन रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, और आप हर गांव में हर तहसील में पुस्तक सेवा होती है, आप पढ़े लिखे हो तो पुस्तक भी ले सकते हो, और पुस्तक पढ़ के सृष्टि की रचना ज्ञान संत रामपाल जी महाराज का जो दिया है उसको पढ़ो, तो आपको पुस्तक पढ़ने से भी लाभ हो सकते हैं। तो आप पहले पुस्तक पढ़ो, सत्संग सुनो, पहले तो मन की संतुष्टि होगी और आपके पूरी बीमारी भी और पूरा परिवार सुखी रहेगा, आपकी बीमारी भी जा सकती है। अगर साधना श्रद्धा शास्त्रों के अनुसार आप करोगे, संत रामपाल जी महाराज के नियम और उनकी जो साधना है उसके अनुसार। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जाती है कि आप साधना टीवी खोल के देखो 7:30 बजे, उसमें सत्संग चलता है, सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी में नंबर दिया जाता है, नंबर लगा के हर राज्य में हर तहसील में हर जिले में हर ब्लॉक में साप्ताहिक कार्यक्रम चलते हैं, तो आप लोगों को पता जानकारी पूरी आपको भगत भाई हमारे जो भी है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वो आपको पूरी जानकारी देंगे, वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो और आप अपनी बीमारी अपने संतुष्टि के लिए आइए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले। धन्यवाद सर। सत साहब।